वेलकम टू कोसी बैराज। तो दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं इस बैनर में, कोसी बैराज जो बिहार के शोक कहे जाने वाले नदी हैं कोसी, उस पे जो बना हुआ है ये कोसी बैराज, वो चीज़ आप लोग को आज दिखाने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं, ये लंबा सा जो है आपको पुल दिख रहा है, ये है कोसी बैराज। और यहाँ पे टोटल 56 फाटक है, और यहाँ से उसको कंट्रोलिंग के लिए एक यहाँ पे रूम बनाया गया है, ये है कंट्रोलिंग रूम। यहाँ से सारे ऑपरेट होते हैं, सारे सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ से ऑपरेट किए जाते हैं। तो ये जो है कोलकाता की कंपनी एक है जो इसको निर्माण किया था 1962 में, कोलकाता की कंपनी एजेंसी जोसेफ एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे जो है इसका निर्माण हुआ था। ये टोटल 56 गेटों से बना हुआ है, और बाढ़ के स्तर बढ़ने के कारण, नेपाल में भारी वर्षा के कारण जब पानी स्तर ऊपर होती है तो इस फाटक को खोल दिया जाता है, जो कि अररिया सीमांत व बिहार के कोसी कमलांचर का इलाका नेपाल में आने वाले बाढ़ प्रत्येक वर्ष आई जाती है। तो उसी के बीच में जो है ये कोसी बैराज हुआ, देख रहे हैं आप लोग, और ये कोसी बैराज पे हम लोग आज आए आप लोग के लिए ही वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे जो है टोटल 56 फाटक है, और ये अभी देख सकते हैं फाटक, और अभी आपको नीचे दिखाते हैं। ये देखिए, अभी जो है ये यहाँ पे नॉर्मल जलस्तर के कारण मछुआरे यहाँ पे मछली मार रहे हैं, कहीं तरह से अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी यह सारा चीज़ नॉर्मल वे में चल रही है, यहाँ से कोई तरह का प्रॉब्लम अभी नहीं है। और यहाँ पे जो जितना भी अभी गाड़ी उधर से आते देख रहे हैं, यहाँ पे उस बोर्ड में लिखा हुआ था, जिस बोर्ड को मैंने पहले दिखाया, उस बोर्ड में प्रॉपर लिखा हुआ था निर्माणिंग, और उसके बाद इस पे कितने स्पीड से गाड़ी आपको चलानी है। और आगे जो है आपको एक चेक पोस्ट भी है, आपको वहाँ से चेक पोस्ट करके, मतलब चेक करके, और आप में इस अंदर एंट्री लेते हैं, तो वो जो है बहुत ही अच्छे तरीका से चेक उक करके आप एंट्री ले सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप कोसी बैराज पर फाइनली अच्छा से घूम सकते हैं। तो हम लोग भी बाइक से आए, चेक हुआ, और ये टोटल 56 गेट ये देख सकते हैं, इस तरह का ये फाटक है, और यहाँ से ये कंट्रोलिंग है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपको तार दिख रहा है, इसी से यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है इस रूम से। और यहाँ से हम लोग फिर निकल चुके हैं अपने गंतव्य घर की ओर, और यहाँ पे ये कंट्रोलिंग रूम, और ये नेपाल की वैन है जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ से जो है ये आपको बहुत ही अद्भुत और अच्छा नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। ये कैमरा के एंगल से आपको इस तरह के दिख रहे हैं, अगर आप खुद अपने नज़र से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखता है। और यहाँ पर ये है कुछ प्लांट, यहाँ पर जो है कुछ अच्छे तरीका से फ्लावर्स लगाने का यहाँ पे पूरा स्पेस है। और ये है छोटा सा चौक जो कि कोसी बैराज के जस्ट सामने का है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं वेलकम टू इंडिया की ओर। तो आप लोग को कैसा लगा कोसी बैराज, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर कोई अच्छे वीडियो में आप लोग को स्वागत करूँगा।